भाजपा विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रहा है। उन्होंने पिता से गुजारिश की थी कि वो उनके पति के साथ उन्हें शांति से जीने दे। साक्षी ने दलित लड़के से शादी की है। इस पर विधायक राजेश मिश्रा का जवाब आया है। उन्होंने कहा कि मैं ना तो जात पात में विश्वास रखता हूँ और ना ही शादी के खिलाफ हूँ। मेरी फिक्र भी हर पिता की तरह ही है, ना तो वो लड़का कुछ कमाता है और ना ही काम करता है। मेरी बेटी से 9 साल बड़ा भी है। मुझे साक्षी के भविष्य की चिंता है। मेरी जगह कोई और पिता होता तो वो भी ऐसे ही सोचता। मैंने मेरे परिवार की किसी सदस्य ने साक्षी को कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। जो वीडियो पोस्ट किया है वो भी किसी बहकावे में आकर किया है। मैं अपनी बेटी को जानता हूं, वो कभी मुझे शर्मसार नहीं करेगी। साक्षी ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें कहा है कि पापा मैंने शादी कर ली है, मुझे शांति से जीने दीजिए, आप अपनी राजनीति करिए, अपने गुंडों को रोकें। साक्षी ने पुलिस से भी सुरक्षा की मांग की है, खुद की जान का खतरा बताया है। मामला तूल पकड़ गया है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसकी शिकायत भी हुई है। भाजपा विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। साक्षी के वीडियो के बाद विधायक मिश्रा ने वीडियो डाला था। अब साक्षी सुरक्षा के लिए कोर्ट पहुंच गई हैं। टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कई खुलासे किए हैं। बताया कि घर में शुरू से ही दबाव का माहौल था। मेरे पापा का अहंकार बहुत बड़ा है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बचपन से उन्होंने कभी मुझे मन की नहीं करने दी। पढ़ाई भी जबरदस्ती उनकी मर्जी से करवाई। मैं जो पढ़ना चाहती थी नहीं पढ़ने दिया। अगर पढ़ने दिया होता तो मैं लव मैरिज नहीं करती। साक्षी ने यह भी बताया कि उनकी माँ उन्हें बचपन से डराती रहती थी, अखबार की नेगेटिव खबरें पढ़वाती थी, जैसे गलती करने पर बेटी को पिता ने मार दिया, घर से भागने पर पिता ने बेटी को बीच बाजार काट दिया। इस तरह की नकारात्मक खबरें ही साक्षी की माँ उन्हें पढ़वाती थी। साक्षी के पति ने कहा, मैं विधायक जी को सालों से जानता हूँ। उन्होंने बरेली के लोगों को दिखाने के लिए सफाईनामा पेश किया है। उनके मन में कुछ और ही चल रहा है। हमारी जान को अब भी खतरा है। दोनों पति पत्नी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है। लड़के के पिता का कहना है कि मुझे भी धमकियां मिल रही हैं। कहा जा रहा है कि अगर बेटे की भलाई चाहते हो तो उसे समझा लो, वरना बेटे को खो दोगे। 2 दिन पहले साक्षी ने वीडियो डालकर कहा था कि मैंने दलित लड़के से लव मैरिज कर ली है, पापा मुझे जीने दो और आप अपनी राजनीति करो, मुझे शांति से जिंदगी जीने दो। पिता से जान का खतरा भी बताया था। जवाब में विधायक ने कहा था कि मैं तो बस फिक्र कर रहा हूँ, किसी बात से नाराज नहीं हूँ, घर आ जाओ। अनुसूचित जाति के युवक से शादी करने के बाद भाजपा विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी ने हाईकोर्ट का सहारा लिया है। कोर्ट में अपनी सुरक्षा का खतरा बताया है। हालांकि दोनों कोर्ट में पेश नहीं हुआ, लेकिन साक्षी ने सोशल मीडिया पर 2 वीडियो पोस्ट किए हैं, जिसमें से एक वीडियो का कुछ हिस्सा हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में साक्षी ने क्या कहा है। पापा बोले तो माननीय विधायक पप्पू भड़तौल जी और विक्की भड़तौल जी, प्लीज़ अब मान जाओ और शांति से जियो और रहने दो, क्योंकि मैंने सच में शादी कर ली है। ये सिंदूर मैंने फैशन में नहीं लगा रखा है, ये शादी कर ली है इसलिए लगा रखा है। और पापा, आपने जो अपने कुत्ते भेज रखे हैं ना मेरे पीछे, जस्ट लाइक राजीव राणा, उसको बताओ अगर मेरे सर के ऊपर से पानी चला गया तो उसका पूरा खानदान जेल में होगा। मैं परेशान हो चुकी हूँ, मतलब इतना घूम घूम के हम परेशान हो चुके हैं और हमारी जान को खतरा है। और एक बात कहना चाहूँगी विक्की और पापा कि अभी और उसके रिलेटिव्स को परेशान करना बंद कर दो, क्योंकि उन लोगों की कोई गलती नहीं है, जो कुछ किया है मैंने और अभी ने किया है। और अब शांति से जियो और राजनीति करो। मैं खुश रहना चाहती हूँ और आज़ाद रहना चाहती हूँ। और मैं इस वीडियो के थ्रू एक बात कहना चाहूँगी, इन फ्यूचर अगर मुझे और अभी के फैमिली के किसी भी मेम्बर को कभी कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार मेरे पापा विक्की भड़तौल और राजीव राणा होंगे। राजीव राणा तो स्पेशली जो पूरी टीम लेकर आया हुआ है और मेरे पीछे घूम रहा है। मैं मर तो जाऊंगी लेकिन उसका पूरा खानदान मिटा के जाऊंगी। राजीव जी, ये चीज़ ध्यान रखना। और बरेली के मंत्री, सांसद, MLA से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैं कि जो लोग मेरे पापा की हेल्प कर रहे हैं वो मेरे पापा की हेल्प करना बंद कर दें, क्योंकि सच में हमारी जान को खतरा है। और प्लीज़ पापा, अपनी सोच बदलो। अभी और अभी की फैमिली इंसानी है, कोई जानवर नहीं है वो लोग। तो प्लीज़ अपनी सोच बदलो। अच्छे लोग हैं, मैं खुश रहूँगी उनके साथ। प्लीज़ और खुश रहो और खुश रहने दो, चुपचाप अपनी राजनीति करो। गौरतलब है कि भाजपा विधायक की बेटी साक्षी
2 जुलाई को घर छोड़कर अपने प्रेमी अजितेश के साथ चली गई थी और दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली थी। इसके 4 दिन बाद साक्षी ने अजितेश के साथ अपने 2 वीडियो वायरल किए जिसमें उसने खुद की जान का खतरा बताया है। वहीं दोनों के वकील का कहना है कि साक्षी और अजितेश बालिग हैं और दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है और ये भी कहा गया है कि विधायक पिता ने पुलिस को दबाव में काम करने के लिए कहा है और साक्षी और उसके पति अजितेश द्वारा पुलिस से सुरक्षा मांगी गई है लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई है। कुल मिलाकर पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है जहां साक्षी ये कह रही है कि पापा अपनी सोच बदलो, इस सिंदूर मैंने फैशन में नहीं लगाया है। वहीं दूसरी ओर विधायक का कहना है कि मैं नाराज नहीं हूं, तुम जहां भी हो खुश रहो। मैं साक्षी और ये मेरे हस्बैंड अभी, हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली है और अब मेरे घर वाले जो हैं वो उन्होंने मतलब लोगों को पीछा लगा दिया है हमारे और हम भागते भागते बहुत परेशान हो चुके हैं और बस मैं बरेली के कप्तान से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी दें और हमारा ख्याल रखें। थैंक यू। ख्याल रखें। और दूसरी बात यह है कि जो लोग पीछे लगे हुए हैं, काफी लोग आए हुए हैं, स्पेशली मेरे पापा के फ्रेंड्स जस्ट लाइक राजीव कोई है और उनके साथ भी लोग हैं, बहुत सारे काफी लोग थे, काफी लोग। हाँ, हम लोग जहाँ रुके हुए थे होटल में वहाँ पे वो लोग मॉर्निंग में आ गए और वो तो हमें मौका मिल गया कि हम लोग वहाँ से निकल गए क्योंकि वो लोग, उन लोग का पूरा प्लान है हमें मारने का। वो लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए या कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि मैं एक दलित परिवार से हूँ, ये रीज़न है। और वो लोग फिलहाल हमें मारना चाहते हैं तो हम ये इसलिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं मित्रों कि हम लोग की जान बच जाए और हम लोग सेफ रहें। हाँ। और कोई रीजन नहीं है क्योंकि अगर ये हम वीडियो हाथ बनाने आ गए तो वो पक्का हमें मार देंगे, पक्का, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। बरेली के वासी तो जानते ही हैं माननीय विधायक जी को। ठीक है, बस यही बात कहनी थी हमें। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।